हमारी कैमरा टीम ना गाड़ी तक पहुंच गई, मैं तो दोबारा नाम कुछ हो रहा है वहां पर, समझ आते हो प्राण है इसमें कि नहीं है। दो आदमी एक सिम कार्ड। पुष्पा दिखा ना। हाँ भाई के साथ चला गया। अच्छा भैया थैंक यू भाई। आज मेरे को इतने साल हो गए सोचते सोचते कि मैं हर दिन सुबह दिन की शुरुआत 6 बजे करूं। मैं फुल मोटिवेट होता हूं कि कल तो 6 बजे शुरू करूंगा, आज हमारे जो गुफा हुए हैं कल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न बन जाता है फॉर समथिंग नॉट हैपनिंग। कभी डेटा नहीं कॉपी होता, कभी रात को नींद ठीक से नहीं आई, तो कभी करेंगे क्या 6 बजे उठ के, ऐसा सवाल हो जाता है कि भाई नाश्ता करना, नाश्ते वाला तो 8 बजे खुलेगा। गुड मॉर्निंग, सुबह 6:15 का टाइम है, हम कश्मीर में श्रीनगर में अपने होटल के बालकनी में खड़े होके सामने हाउस बोट्स खड़ी हुई हैं उनको देख रहे हैं, डल लेक का नज़ारा ले रहे हैं। वो देखो सुबह सुबह शिकारा राइड भी स्टार्ट हो गई है, वैसे मुझे लगता नहीं शिकारा राइड होगी, ऐसा लग रहा है कोई हाउस बोट से इस पार आना चाह रहा है। बहुत खूबसूरत हिमाल होटल है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, JKTDC की ये प्रॉपर्टी है। आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, लगभग 5:15 बजे, तो एज़ ऑलवेज डेटा कॉपी का काम स्टार्ट किया। उस समय तो अंधेरा था लेकिन बरसात तब ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो एक बार मुझे लग रहा था कि इतनी तेज़ बारिश जैसे मैं नीचे फील हो रहा था ना, होते हुए दिख भी रही थी, तो मुझे लगा कि आज का प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए, मतलब जहाँ जहाँ हमको जाना है। लेकिन अभी ऐसा देख के लग रहा है कि और आधे घंटे में बरसात थम जाएगी। सही है, दिन की शुरुआत टाइम पर भी हो गई, अच्छी भी हो गई है, लेकिन होटल से हम नहीं निकल पाएंगे 8:15 से पहले, क्योंकि मेरा कल पूरे दिन का डेटा कॉपी का काम बचा हुआ है। अभी भी बस डेटा कॉपी कर रहा था तो बीच में मैंने सोचा कि एक कप चाय बाहर बैठ के पीता हूँ, घंटा भर हो गया मुझे काम करते करते, तो 7:30 बजे तक वो होगा, फिर नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। लेकिन आमतौर पर जब लोग श्रीनगर आते हैं ना, तो उनके टारगेट में वो हाउस बोट में रुकना ज़रूर होता है। मतलब ये तो सिर्फ डल लेक में सामने जो हमें दिख रही है, इसके अलावा लेफ्ट राइट बहुत हाउस बोट्स हैं। इनफैक्ट निगिन लेक करके नज़दीक में लेक है, वहाँ पर भी बहुत टूरिस्ट रुकते हैं, तो एक बाय रफ काउंट 1000 से ऊपर हाउस बोट्स हैं, मतलब 1200 के आसपास या 1300 के आसपास। तो आज हम श्रीनगर में पूरा दिन, रात को यहाँ रुकेंगे, कल सोनमर्ग जाएंगे, फिर हम पहलगाम जाएंगे तो नाइट स्टे पहलगाम में करेंगे, उसके बाद हमको गुलमर्ग जाना है। अभी गुलमर्ग की कहानी थोड़ी फंसी सी हुई है, क्योंकि अगर गंडोला की टिकट हमको कंफर्म मिल जाएगी तो जाएंगे, कंफर्म नहीं मिलेगी तो हम लोग गुलमर्ग को ड्रॉप कर देंगे। गुरेज मैंने माइंड में रखा हुआ है, गुरेज वैली जाएं या ना जाएं, वो थोड़ा सा मैं डबल माइंड हो रहा हूँ। एनीवेज अभी तो उसमें समय है, तो जैसे समय चलेगा ना, जैसे 2-3 दिन बीतेंगे तब तक मैं डिसाइड कर लूँगा। आमतौर पर मैं क्या करता हूँ ट्रैवल शुरू करने से पहले ना, गलत बोल रहा हूँ, आमतौर पर मैं क्या करता हूँ कि आने की टिकट तो करवा लेता हूँ लेकिन रिटर्न की टिकट नहीं करवाता। ऐसा करने से मेरे को रिटर्न टिकट महंगी पड़ती है, लेकिन इससे फ़ायदा रहता है मेरी जर्नी फ्लेक्सिबल रहती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज़ गुलमर्ग में हमें गंडोला का टिकट नहीं मिली तो हम गुरेज चले जाएंगे, गुलमर्ग चले गए तो गुरेज शायद मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि डेज मेरे पास लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब एक विंडो लेकर आया हूँ ना कि मेरे को 8 से 9 दिन कश्मीर में बिताने हैं। अगर मैं रिटर्न टिकट पहले ही करवा लूँ, यहाँ पता लगे गुलमर्ग भी हो गया, फिर बीच का 2-3 दिन की सेटिंग बैठ नहीं पाई, तो ये मेरा आम तौर पे शेड्यूल रहता है। और टिकट मैं रिटर्न की सिर्फ तब करवाता हूँ जब जाने में मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है या 3 दिन का, मैं एकदम श्योर हूँ कि हाँ कल यहाँ जाना है, परसों जाना है, उसके रिटर्न दिन वापस चले जाओ। चलो खैर एनीवेज, बातों बातों में मैंने चाय का सिप भी नहीं लिया और आज मैं बिस्किट ही नहीं लाया। मेरी बड़ी आदत है सुबह का जो चाय है ना, कम से कम एक बिस्किट तो होना चाहिए। अब इनसे पूछा, ये बोल रहे हैं कि बिस्किट अभी अवेलेबल नहीं है, मैं भी लाना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि उन्होंने 6 बजे चाय दे दी। सही है, वैसे मैंने रूम आपको कल दिखा दिया था, तो अभी वैसे तो अनटाइडी है, फिर भी आप देख लो, सामने लैपटॉप पे मेरा डेटा चार्ज हो रहा है। चलो बैठ के यहाँ पर मैं चाय पीता हूँ और उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करेंगे और 8:15 बजे निकलेंगे। अपने होटल से हम कृष्णा ढाबा पे जाने के लिए निकल गए, इरफान भाई हमारे साथ हैं, तो इरफान भाई तो टाइम पे आ गए थे लेकिन हम 15-20 मिनट लेट हो गए, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:24। तो कृष्णा कहाँ पर है इरफान भाई? जी सर, यहाँ से अराउंड कुछ मीटर्स हो गए, पास ही है ना सर, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अच्छा, तो अभी हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि नाश्ता करेंगे, परांठा ऐसा खा सकते हैं, परांठा,
लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नाश्ते के लिए ना आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि 7 बजे रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे। रात को यहाँ लेट डिनर कल्चर भी नहीं है, लेकिन नाश्ते का कल्चर तो नहीं है। तो नाश्ता मैक्सिमम लोग अपने होटल्स में ही करना पसंद करते हैं, ऐसा इरफान भाई ने भी मुझे बताया, राइट ना? तो अभी क्या लग रहा है, ये ऐसा तो नहीं कि बंद होगा, जाके देखना पड़ेगा? मेरे ख्याल से 10 बजे की टाइमिंग है, फिर भी देखते हैं। चलो अगर कृष्णा बंद हुआ ना तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास ऑप्शन हो रहा है पुष्पा, तो वहाँ चल के हम लोग नाश्ता कर लेंगे, वो भी आई थिंक 9 सवानों की खुलता है। कृष्णा भाई की आवाज़ आती नहीं है, पता है ना, ये सब बाद में काटने पड़ते हैं सीन, क्योंकि आवाज़ ही ठीक नहीं आती। पहुँचने वाले रुक जाओ, ये लगा लो और धीरे धीरे चला लेना। चलो मौसम को देख के क्या लग रहा है आज, बरसात की वजह से हमारी जर्नी कैसी रहेगी? सर ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि जो दूध पत्र है ना वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब वहाँ पे बारिश होती है ना सर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मतलब भरोसा भी नहीं, कम भी हो सकती है ज़्यादा, मेरे ख्याल से वहाँ पे ज़्यादा ही हो सकती है। आज ना मेरे को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हमारे कैमरा पर्सन है ना उसने बोला कि क्या क्या करूँ ना, पहले आप वेदर फोरकास्ट देखा करो उसके बाद प्रोग्राम बनाया करो। मैं तो मैंने बोला कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से बनाऊँ या मैं कैमरामैन की अवेलेबिलिटी चेक करके अपने प्रोग्राम को एडजस्ट करूँ, अब दोनों काम एक साथ बड़े मुश्किल है, क्योंकि अभी ये पूरा हफ्ता बारिश होने वाली है और हम अभी आए हैं, अब कैमरा पर्सन मई में अवेलेबल नहीं है। कायदे से मैं मई में भी आ सकता था ना। पहुंच गए कृष्णा जी? सर खुला हुआ है ये तो? हाँ, कृष्णा वैष्णो भोजनालय चालू कर दिया लोग जी सर, अभी चालू हो गए। तो आपका तो फास्टिंग आज सर? हाँ मेरा रोजा है। तो आप गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे सर? कहीं पे भी आप आराम से जाओ, हम लोग आते फिर। हाँ सर मुझे कॉल करना आते समय। ओके जी। वैसे इस एरिया को क्या बोलते हैं सर? इसको क्या बोलते हैं सर? डल गेट ही बोलते हैं। डल गेट जी सर। अच्छा, मेरे को कल किसी ने बोला कि डल गेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ को गेट नहीं है। वो है ना गेट उधर पास में है ना। अच्छा गेट लगा हुआ है क्या? हाँ सर गेट लगा हुआ। प्रॉपर गेट बना हुआ है सर? प्रॉपर, क्योंकि जहाँ से डल लेक वो पानी एग्जिट हो जाता है, बाहर आता है, क्योंकि एंट्री दूसरी साइड से आती है, एग्जिट यहाँ से होता है। अच्छा, कल मेरे को इसको गेट बोलते हैं। चलो आप दिखाना मेरे को गेट कैसा बना हुआ है। हाँ सर वो दिखाऊंगा। चलो ओके बाय। चलो चलो चलो। हाँ जी भैया, क्या बात है? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नैनीताल वाला ब्लॉग देखा था? हाँ, मैं बच्चों को लेके गया था तो उनको मैं घुमा के आया, आपका वो ब्लॉग बहुत हेल्पफुल था। सही लगा? बहुत मज़ा आया। ये लगाओ, आपकी आवाज़ क्लियर आएगी, बिना इसकी आवाज़ ढंग से नहीं आती। तो अभी ना कृष्णा ढाबा के बगल में ही हमारे को सब्सक्राइबर मिल गए, और आपके ढाबे का नाम क्या है? विशाल ढाबा। विशाल ढाबा, पिछले वो देखा था आपका ब्लॉग, बहुत अच्छा लगा था, उसमें कुमाऊनी खाना आपने खाया था, वो भी चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी लगी, आपने कैंडल्स वगैरह खरीदी। हाँ हाँ। वो राइड करके आप स्नो पॉइंट पे गए थे नैनीताल? नैनीताल में। हाँ। तो मैं गया था इस पर बच्चों को लेके, तो हेल्पफुल था काफ़ी। अरे वाह, मज़ा आया। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली हुआ क्या, मैं आया ना यहाँ पर, आपने हैंड वेव किया, मैं आपको दूर से पहचानने में बंदा जाना पहचाना लग रहा है। आपने ऐसा वेव किया ना, मैं एक बार कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा मेरे तो पहचान का कोई भी नहीं है यहाँ पे, ऐसा मेरे को लगा। सर आपके पहचान के बहुत है, आप नहीं जानते। तो आप, यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर? मेरे दादाजी यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद हम यहीं पे काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। मेरे इस ढाबे को तकरीबन 20 साल हो गए, अभी नया नया ही खुला है। अच्छा, तो आप कश्मीरी अच्छा बोलते हैं? नहीं, आई कांट स्पीक। अच्छा, कश्मीरी। तो पहले कहाँ रहते थे आप 20 साल? हम जम्मू कश्मीर के हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं, वी आर डोगरा। अच्छा, तो डोगरा कम्युनिटी का भी तो फूड होता है? हाँ, वो कहाँ मिलता है? जो डोगरा है दे एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम पंजाबीज। गुलाब सिंह जी हमारे फाउंडर हैं जीएनके के। गुलाब सिंह जी पटियाला के राजा रणजीत सिंह जी के फर्स्ट कज़न थे, तो उनको यहाँ का महाराजा बनाया गया, तो उनका ही ये है। जम्मू जितना भी है वो सब डोगरी कल्चर जो है वो सारा का सारा एक्चुअली पंजाबी कल्चर है। यहाँ पे कुकरनाक के पास चावल मिलते हैं, रेड कलर के छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, कश्मीरी चावल होते हैं वो। बहुत कुकरनाक के पास मतलब पहलगाम से डाइवर्जन लेके जा सकते हैं? जी 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 जी, ऐसा ना रास्ते में। चलो बहुत अच्छी, आपसे फटाफट मुलाकात हो रही है। सो नाइस, थैंक यू सो मच। तो ये देखो जी, आवाज़ इसी से आती है, तो अगर ये हट जाए तो आवाज़ आनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है। गाड़ी देखें, गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी मुझे लग रहा है वो सामने खड़ी है। देखो यार, नंबर याद है गाड़ी का क्या? पुष्पा दिख रहा है ना?
हाँ, उसके पास अंदर जाना, उसका विजिटिंग कार्ड लेना और बोलना रात को डिनर में क्या मिलता है, कोई मेन्यू कार्ड है तो फोटो खींच के ले आना, क्या ना हम लोग वीडियो बनाने के पर्पज से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। जाके फिर फटाफट आ जाना, गाड़ी सामने खड़ी है। ग्लेशियर हो जाएगा बस हमारे पंकज भाई आ जाए तो फिर चलते हैं यहाँ से। कोई बात नहीं सर। वैसे ना मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है कि आज मेरे को इतने साल हो गए सोचते सोचते कि मैं हर दिन सुबह दिन की शुरुआत 6 बजे करूँ। मैं फुल मोटिवेट होता हूँ कि कल तो 6 बजे शुरू करूँगा, आज हमारे जो गूफ अप हुए कल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न बन जाता है फॉर समथिंग नॉट हैपनिंग। कभी डेटा नहीं कॉपी होता, कभी रात को नींद ठीक से नहीं आई, तो कभी करेंगे क्या 6 बजे उठ के, ऐसा सवाल हो जाता है कि भाई नाश्ता करना, नाश्ते वाला तो 8 बजे खुलेगा, मतलब कुछ नहीं, और कुछ नहीं होगा तो बारिश हो जाएगी जैसे आज बारिश हो गई तो क्या बोले। लेकिन एज अ ट्रैवलर करना तो यही चाहिए कि मेक द बेस्ट आउट ऑफ द डे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सो कम, नींद पूरी ले ली, बाकी घूमने आओ, घूमो, मस्ती करो, इन्जॉय करो। और श्रीनगर में खास तौर पे ये ज़्यादा ज़रूरी है डे अर्ली शुरू करना, क्योंकि यहाँ पे शाम को जैसे 6:30-7 बजे अंधेरा हो जाता है, उसके बाद ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। ये शिमला जैसी मॉल रोड नहीं है, मनाली जैसी मॉल रोड नहीं है कि आप मॉल रोड में घूमोगे, शॉपिंग करोगे 9-10 बजे तक, ठीक है आप अपना फिनिश करो, रात को डिनर अपने होटल में कर लो या एक दो जॉइंट में जाके जो अच्छे मशहूर है वहाँ पर डिनर कर लो। सुबह हम श्रीनगर से चले और 1.25 घंटे का सफ़र करके हम दूध पथरी पहुँचे हैं। इस मिडो एरिया को दूध पथरी बोलते हैं। आप देखो जी क्या जगह है। और बादलों को कुछ देर पहले तक हम पेड़ों के पीछे देख रहे थे, पहाड़ के ऊपर देख रहे थे, अब तो बादल हमारे एकदम सामने। आप कैसे प्लान करते हैं अपनी ट्रिप को समय के बट ऐसा है मेरी ये टूर प्लानिंग है ना, अगर कोई फॉलो करे ना तो आदमी हैरान हो जाएगा कि बहुत डिटेल में करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में, मतलब समझ लो एक तो आने से पहले और ऊपर से आने के बाद भी मैं रीवैलिडेट करता है। समझ अच्छा टिकाना होगा ना, अगर आपने बोला था गुरेज गए एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मैं आपसे गुरेज का इनपुट लेना स्टार्ट कर देता कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। चलो जी, सो नाइस टू मीट यू। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू। फियाज अहमद भाई एक चीज बताइए जी सर, सामने जो ट्रैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जी हुई सर, है जी सर, यहाँ पर कोई रूट एक ही रूट है या, क्योंकि यूसमर्ग तो मैंने बहुत लोगों से सुना कि बड़ी बड़ा प्यारा व्यू पॉइंट है वहाँ पे। यूसमर्ग के लिए एक रूट है सर, वहाँ 3-4 घंटे का रास्ता है सर यूसमर्ग पहुँचने का, जो उसे छोड़ के वो दूसरा वो अलग रास्ता है जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं 3-4 दिन लगते हैं तोसी मैदान तक, यहाँ से जाएंगे फिर पहले पहुँचेंगे हम अश्तार डिस्खल और क्या बोलते हैं छांस, वहीं से होके जाएंगे पहुँचेंगे हम तोसे मैदान, फिर तोसे मैदान से आएंगे नीचे सर। 3-4 दिन का सफ़र है ट्रैकिंग करने का तोस मैदान। जी सर, मुझे तो इसके बारे में मालूम चला था कल जी सर कि बड़ी जन्नत है वो जगह। बिल्कुल सर, इससे भी खूबसूरत है वो जगह। अच्छा जी सर, और ये यूसमर्ग जाना अगर किसी ने हो तो यहाँ से सुबह जाके शाम को आ सकता है। बिल्कुल सर, सुबह से अगर यहाँ से निकले शाम तक वापस भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब कोई श्रीनगर रह रहा है तो पॉसिबल है। बिल्कुल सर, कि सुबह यूसमर्ग जाके शाम को आ जाए। जी, इस जगह का नाम जो दूध पथरी पड़ा जी, इसके पीछे कुछ कहानी है ना। बिल्कुल सर, जानते हो आप? जी सर बताओ। यहाँ एक वली रहता था, उसको वो उसका नाम था शेखुल आलम, उसको नमाज पढ़ने थे वजू के लिए पानी चाहिए था, उसने आसा जमीन में ठोक दिया, वहाँ पानी की बजाय दूध निकल आया। आसा क्या होता है? आसा वो लाठी होता है। अच्छा, उसको बोलते हैं आसा। वहाँ फिर पानी के बदले दूध निकल आया, फिर उसने अल्लाह की तरफ से दुआ किया कि ऐ अल्लाह मुझे दूध नहीं पानी चाहिए, मुझे वजू बनाना है नमाज पढ़ने, फिर वहाँ से पानी निकल आया। वहाँ आज एक चश्मा है, उसमें से इतना पानी निकलता है कम से कम 450 गाँव का वही पानी जाते उसी चश्मे के, और 2400 घंटे वो पानी चलते ही रहते हैं, बंद नहीं होता है कभी। ये जगह कहाँ है? ये थोड़ा नीचे यहाँ जहाँ पे दरगाह बनी हुई ना, यहीं दूध पथरी में, वहीं पर ये जगह, उसी की वजह से नाम पड़ा है दूध पथरी।
अच्छा जी सर। एक चीज और बताओ, यहाँ पर ना रहने की सुविधा हमने रास्ते में देखी थी, यहाँ क्या JKTDC की प्रॉपर्टी भी है, जम्मू कश्मीर टूरिज्म वालों की? जी जी जी, यहाँ पे है, वो लोग बनाए हुए यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे हैं। प्राइवेट लग रहा था मुझको, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट का भी, ये सब गवर्नमेंट के, अब रेंट पे दे दिए उन्होंने ये। अच्छा जी सर, प्राइवेट कोई नहीं है यहाँ सर। अच्छा, हमको लगा प्राइवेट है। नहीं नहीं सर, टूरिस्ट के लिए हर किस्म की फैसिलिटी है यहाँ पे सर। यानी कोई रहना चाहे तो बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, नाइट नाइट स्टे होता है यहाँ, कोई परेशानी। जब मैं आ रहा था ना, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी थी पहले, वहाँ से लेके जब हम यहाँ आते रास्ते में हमने देखे थे हट्स बने हुए थे। बिल्कुल, वही गवर्नमेंट के हट्स है जिनमें नाइट होता है सर। अच्छा जी सर, सही है, इंटरेस्टिंग है। पानी का बहाव तो बहुत तेज है। बिल्कुल सर, अभी तो ये पानी थोड़ा खराब दिख रहा है क्योंकि ये बारिश की वजह से खराब पानी गया ना इसमें। हाँ। नहीं तो बिल्कुल दूध जैसे पानी दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल दूध जैसा पानी दिख रहा है। अच्छा दिखता पानी जी सर। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जब हम यहाँ पर आ रहे थे दूधपथरी आने में, हमें जब 5 किलोमीटर का सफर करना था जी सर, तो वहाँ हमें बताया गया कि अगर आप सर्दियों में दिसंबर जनवरी में यहाँ आओगे तो गाड़ी यही रुकेगी, उसके आगे आपको स्नो बाइक में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उस पॉइंट तक जहाँ आज हमने गाड़ी खड़ी करी थी फर्स्ट पार्किंग में। जी सर, तो 5 किलोमीटर का सफर स्नो बाइक वाले कराते हैं? बिल्कुल, ATV चल रहा है, स्नो बाइक चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल कराते हैं जी सर। तो यानी जितनी आसानी से हम यहाँ आ गए, बिल्कुल बर्फ में तो भूल जाओ इधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नहीं आ सकते ना? आ सकते हैं, सोनू बाइक पे आ सकते हैं, यहाँ पर भी बर्फ में भी। आपका मतलब जनवरी फरवरी तक भी लोग आते हैं बर्फ में यहाँ? बिल्कुल, ये हर महीने ये बंद नहीं रहता है, कितना भी बर्फ होगा यहाँ, 8 फुट 10 फुट बर्फ भी होगा। किसी ने बोला कि स्नो बाइक वाले सिर्फ उस पॉइंट तक लेके आते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाते। नहीं नहीं, यहाँ भी आते हैं सर, ATV भी आते हैं, सोनू बाइक। एक चीज बताओ जी सर, जब ATV आ रहा है तो ऐसे ये तारे भी हैं यहाँ पे, पेड़ भी हैं, तो कैसे लाते हो भाई आप, चलाते हो बर्फ में? जी सर, ये रोड क्लियर होता है ना सर, रोड को जब बर्फ होती है ना तो उसमें ये स्नो कटर लगाते हैं। हाँ। रोड की मतलब ये मेजरमेंट में काट देते हैं उसको। अच्छा, बर्फ को, तो आपका उस बर्फ के बीच से बाइक चलती है। तो आपका मतलब बन जाती है। तो आपका मतलब है कि जनवरी फरवरी में जब 10 फीट बर्फ होती है तो भी आप स्नो बाइक में और ATV में यहाँ पे आता है? बिल्कुल सर, आराम से आ जाता है। अच्छा जी जी सर, मिलकर आपको मजा आ गया। अच्छा, अपनी गाड़ी की कोई बात नहीं। ये बुलाया तो गाड़ी आगे गई। अब मैं जा सकता हूं सर? धन्यवाद, नाइस मीटिंग यू। ठीक है जी, थैंक यू। पीछे मैं ATV वाले से पूछ रहा था कि आप कैसे कस्टमर को 6-7 पॉइंट दिखाते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर से लेके आते हैं, जैसे पीछे ATV खड़ी है ना, बाहर से लेके आते हैं, और जैसे कस्टमर यहाँ रुका तो जब तक कस्टमर ने घंटा भर घूमा तब तक कोई दूसरा पार्टी को ले आए, फिर उसके बाद इसको दूसरा पॉइंट छोड़ दिया। इस प्रकार से एडजस्ट करके ना 700-800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई चाहता है कि ATV हमारे साथ ही रहे 3-4 घंटे के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। चलो ग्रेट है, अभी निकलते निकलते देखो कितना सारे बादल हमारे सामने आ गए हैं, क्या सोचते हैं और क्या देखने को मिलता है। मतलब ऐसा समझो कि सुबह जब मैं दूधपथरी आ रहा था ना, तो मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ आके मेरे को इतना मज़ा आएगा। हालांकि मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे थे, लेकिन वो क्या होता है ना, वीडियो YouTube पे देखना और खुद आके जगह को एक्सपीरियंस करने में फ़र्क तो होता ही है ना। अब आके देख रहा हूँ तो मज़ा तो गजब। और अच्छी बात पता क्या हो गई कि हम श्रीनगर से टाइम पे चल पड़े। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि श्रीनगर हम लोग घूमेंगे दोपहर में 2 बजे तक, लंच करके हम 2 बजे निकलेंगे। लेकिन अगर 2 बजे निकलते तो विजिबिलिटी देखो ना, अभी इस समय ये हाल है, तो फिर 2 बजे चलते यहाँ पहुँचते 4 बजे 4:30 बजे, तो क्या विजिबिलिटी डाउन हो जाती, जो पॉइंट तो पहुँच जाते। तो लेसन ये मिला कि दूधपथरी अगर आना है स्टार्ट अर्ली फ्रॉम श्रीनगर, ये बेटर आइडिया। चलो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, रिटर्न ऑन वे टू श्रीनगर। कश्मीर जब आप आते हैं ना, तो आपके पास पोस्टपेड सिम होना चाहिए, प्रीपेड सिम कार्ड यहाँ पर नहीं चलता, इनफैक्ट पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं चलता। अब हम ना इस समय श्रीनगर से 13 किलोमीटर दूर है, मेरे पास तो जियो का पोस्टपेड ऑलरेडी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ना टीम मेम्बर्स के लिए सिम कार्ड लेने के लिए ना एक शॉप में रुके हैं। इरफान भाई, इस एरिया को क्या बोलते हैं? चाडूरा। तो ये लोग ने ऑलरेडी अंदर सिम कार्ड लेना शुरू कर दिया है। सिम कार्ड क्या लेना है, वो तो सिम कार्ड मिल ही जाएगा। तो मैंने ना बात करके बेसिक इनसे समझाया कि एयरटेल या जियो या BSNL का सिम लेना हो ना आपको, तो
तो आधार कार्ड अपना आप दे दो और फोटो दे दो साथ में, तो 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर आपका नंबर एक्टिवेट हो जाता है। इसको आप प्री ऑन पोस्ट करके कुछ बोलते हैं, और अगर आप लॉन्ग यूज़ करना चाहते हो तो 10 रुपये का रिचार्ज करवाते रहो और आउटगोइंग अवॉइड करो, इनकमिंग आपकी चलती रहेगी। यहाँ से नंबर लेके आप कहीं बाहर भी चले जाओगे, नंबर आपका एक्टिवेट रहेगा। तो इस सारी कहानी का भावार्थ ये है कि यहाँ पर आके आपको या तो नया सिम लेना पड़ेगा या अपने नंबर को आप पोस्टपेड करवा के यहाँ पर ले आओ, या सेपरेट पोस्टपेड सिम ले आओ। सो बात की एक बात, काफ़ी बार क्या है कि लोग कश्मीर आते हैं, उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे पोस्टपेड चलेगा, तब वो किसी दुकान पर रुकते हैं, सिम कार्ड लेते हैं। आप लोग अगर प्रोसीजर कर रहे हो, हो जाए इनका, हो जाएगा 10-15 मिनट में। हाँ हो जाएगा, ये यहाँ से दिखा रहा है। तो भाई आप दोनों लोगे या एक जन लेगा? एक। अच्छा एक, आधा आधा बांट लोगे? दो आदमी एक सिम कार्ड, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी 5-10 मिनट थोड़ा आप सराउंडिंग्स देखो, 10-1 मिनट रुकेंगे फिर हम यहाँ से चलेंगे। इस समय हम श्रीनगर में आदूस रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने ना इसका प्रॉपर शूट किया है दिखाने के लिए हम फूड में क्या क्या खा रहे हैं। हम खाते खाते तो आलू दम मैंने पूरे खा लिए, 3 पीस थे इसके अंदर, और ये भी मुझे लग रहा है इसमें से आधा तो मैं ही खा ही लूँगा। ये नदरू है, ठीक है, तो 1 या 2 पीस ही बचेंगे। कर्ड की ग्रेवी होती है इसमें, वेरी टेस्टी। तो कैसे होता है ना कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई टीम खाना पहले खाती है बाद में खाती है, तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि वैसे तो ये कभी पहले खा लेते हैं कभी बाद में खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल भाई मेन्यू कार्ड मंगा लो ना, हाँ मेन्यू मंगाओ, देखो आपको क्या पसंद है। तो अब जैसे इनका मन है आलू दम खाना है तो आलू दम खाएं, इनका मन है कुछ और खाना है तो अपने हिसाब से ऑर्डर कर लेते हैं। तो रोटी खानी है, राइस खाना है, तो जनरली मैं अपने लिए उतना ही मंगाता हूँ जो मेरे लिए सफिशेंट हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ना मंगाऊं। तो ये आपने नोटिस किया होगा जनरली 2 डिश होती हैं। कभी अगर मान लो मैं 4 डिश लेना चाहता हूँ तो फिर इनसे पहले पूछ लेता हूँ भाई तुम्हें किस आइटम में इंटरेस्ट है, वो आइटम मैं पहले मंगा लेते हैं। मेरे को आलू दम जितना स्वाद लगा उससे ज़्यादा स्वाद तो ये नदरू लगा है। दोनों सही था और गुड फूड ओवरऑल। वैसे ट्राई करना चाहते हो तो ये कर लो, एक प्लेट ट्राई कर लो ना, शेयर कर लेना आपस में, बाकी 1-2 आइटम और मंगा लो जो आपको पसंद हो। हाँ ये तो ट्राई के लिए मंगा लो, बाकी और जो पसंद हो। चलो ग्रेट है, तो अब आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमने अपने गाड़ी के ड्राइवर को ना आदूस से पहुँचे थे ना, तो बोला था भाई चले जाओ हमें आदूस छोड़कर, क्योंकि अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो वो तो चले गए। अब यहाँ से ऑटो मिल नहीं रहा था तो सोचा चलो 2.5-3 किलोमीटर की बात है, पैदल चले जाते हैं, तो बीच में ही भैया मिल गए। तो अब हमने ऑटो पकड़ लिया है डल लेक जाने के लिए। डल लेक तो बहुत बड़ी है, बेसिकली हमारा घाट नंबर 6 के सामने ही होटल है, तो होटल पहुँचेंगे और आज का दिन एंड कर देंगे। तो अब एक बार देखते हैं डल लेक में कुछ अच्छा सा सीनिक व्यू दिख जाए तो 5-7 मिनट रुक जाएंगे, नहीं तो 5 मिनट बाद आपको बाय बाय। तो अपने होटल के पास हम पहुंच चुके हैं। एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, हिमाल होटल दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि सबकी लाइटें जगमग है और हिमाल होटल के बाहर कोई लाइट ही नहीं है। फिर हमने घाट नंबर से पहचान लगा ली, घाट नंबर 6। तो भाई हमें कावा जो बना रहे हो आप हमारे लिए, हाँ सर, ये गर्म है? गर्म है सर। अच्छा तो आपने क्या किया, ये ऊपर से बादाम डाला? ये बादाम काजू और अखरोट है सर मिक्स करके। अच्छा तो आपके रात के समय ऐसे साइकिल में कावा बेच रहे हो, तो घर से बना के लाते? घर से बना के लाते। वैसे मैंने कल भी बताया था कि रात के समय भी कुछ लोग शिकारा राइड करते हैं, अभी जैसे देखो ये लोग कर रहे हैं ना। वैसे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना वो शाम के समय आता है शिकारा का, और ये भी देख लो हॉप ऑन हॉप ऑफ। ये मैं पता लगाऊंगा कि ये कहाँ से शुरू होती है, क्या चार्जेस लेते हैं, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि ये बस पे बैठ के ना पूरा डल लेक के किनारे किनारे घूम सकते हो,
और अलग अलग एंगल से डल लेक का व्यू इंजॉय कर सकते हो। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस है। ठीक है जी, अब आप सराउंडिंग्स एक बार देख लो, जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय रात को कैसा लग रहा है। कल भी मैंने दिखाया था आपको हाउस बोट्स हैं वो सारी। ये पूरी होटल लेन है डल लेक के सामने, लाइन में होटल है, एक डेढ़ किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो जाते हैं और ये ऐसे करके उल्टा जाए हम घाट नंबर एक, घाट नंबर शिट, और ये क्या हो गया मेरा पाँव चला गया पानी के अंदर, रात को सुखाना पड़ेगा इसको। यहाँ पर पूरी लाइन में ना डल लेक के सामने होटल्स ही होटल्स हैं, और जहाँ पर होटल नहीं है वहाँ पर रेस्टोरेंट है। अभी चहल पहल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जगह कितनी ज़्यादा फेमस है। और कभी भी आप डल लेक आओगे तो यहाँ इस साइड से, तो इस रोड से तो बार बार निकलोगे। सर नमस्कार जी, कहाँ से आप? मैं जम्मू से ही हूँ सर। अच्छा, वाला वीडियो देखा था। देखा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा कनेक्ट बनाते हो आप। तो अभी यहाँ रह रहे हैं या कैसे आए हुए हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं कहाँ पे? मैं यहीं पे श्रीनगर में। अच्छा, है डिस्ट्रिक्ट। एक दो थॉट्स हैं हमारे कल के प्रोग्राम से जुड़े हुए, स्पेशली कल सुबह हम 7 बजे नाश्ता करना चाहते हैं, कहाँ कर लें सब डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट के बाद। ठीक है जी, चलो आपको मैं इधर ही बाय बाय कर देता हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे मैं नाश्ता करना चाहता हूँ। हमारे होटल वाले तो देंगे नहीं 7 बजे, वो देंगे 8 बजे, और जितनी मेरे को नॉलेज है 7 बजे यहाँ मिलना मुश्किल है, बट फिर भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।